हेलो एवरीवन, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं होमोजेनियस, ठीक है, एंड नॉन होमोजेनियस, ठीक है। नॉन होमोजेनियस के बारे में देखने वाले हैं। तो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस आपको डिफरेंस पता चल गया तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि सीएफ और पीए आप निकाल सकते हो। डिफरेंट काइंड ऑफ पीए एंड सीएफ हम भी पढ़ेंगे, उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, काफ़ी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं होमोजेनियस का आइडिया देता हूँ थोड़ा बहुत। देखो यहाँ से डेल स्क्वायर जेड लिखा है, डेल एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस सिक्स लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर जेड लिखा है अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिखा हुआ है, प्लस डेल जेड स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे एट है, मतलब कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, इक्वल टू जीरो लिखा हुआ, या मे बी जीरो के इक्वल टू ई की पावर टू एक्स प्लस थ्री इस तरह से लिखा हो, थ्री वाई लिखा हो, इस तरह के आपके क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। उसमें आपको होमोजेनियस के लिए अलग कैलकुलेशन है एंड नॉन होमोजेनियस के लिए अलग कैलकुलेशन है। उसमें आपको क्या करना होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि सी एस में लिख देता हूँ यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन होता क्या है, सी एफ प्लस पी ए। अब बोलोगे सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ होते हैं, वो भी देखेंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई मतलब होता है, और जब ये सी एफ प्लस पी आई को जब ऐड करते हो तो वही कंप्लीट सॉल्यूशन बन के आता है, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे कहाँ से, ये हम निकालेंगे इधर से ही, होमोजेनियस से नॉन होमोजेनियस से। नॉन होमोजेनियस क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए अलग कुछ रूल्स होंगे, होमोजेनियस होंगे तो उसके लिए कुछ अलग रूल्स होंगे। तो ये जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ ये क्या है, ये है होमोजेनियस। अब भाई मैं होमोजेनियस को पहचानूँ कैसे, तो ब्रदर ऐसी बात है, आपको पहचानना ऐसा है जो आप देखोगे ऑर्डर कितने हैं इसके। देखो टू है, ऑर्डर टू है, ऑर्डर टू है, ठीक है। तो देखो इसकी जो ऑर्डर, देखो नीचे में जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, डेल एक्स डेल वाई लिखा है, डेल जेड वाई स्क्वायर लिखा है, पर ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, पहले ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लेते थोड़ा। ऑर्डर क्या होता है, कितने टाइम्स वो डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है। तो जितने टाइम्स वो डेरिवेटिव होता है वो उसके ऑर्डर होते हैं। ये स्क्वायर लगाए तो टू टाइम्स, स्क्वायर लगा टू टाइम्स, स्क्वायर लगा तो टू टाइम्स हुआ। तो जब ऑर्डर इसके मैच करेंगे तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट से हमें मतलब नहीं है, कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है। अब देखो नॉन होमोजेनियस क्या हुआ, इसी में मैं नॉन होमोजेनियस का एग्जांपल लेता हूं आपके पास। तो नॉन होमोजेनियस में क्या हुआ, नॉन होमोजेनियस की बात कर रहा था। देखो नॉन होमोजेनियस हो सकता है डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर हो, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर हो, प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई हो, इस तरह से कुछ भी कॉन्स्टेंट लगाओ, फाइव लगाओ, सिक्स लगाओ, इक्वल टू में कुछ भी हो सकता है, टू एक्स प्लस कॉस एक्स हो सकता है, कुछ भी, ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू जीरो हो सकता है। बट इस कंडीशन में देखो ऑर्डर कितने हैं, कितने टाइम्स डेरिवेटिव, टू टाइम्स एंड वन टाइम्स। तो यहाँ पे हमने देखा तो ऑर्डर मैच नहीं किया, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस के लिए कुछ अलग कंडीशन है, कुछ अलग रूल्स हैं, तो वो हम सब देखेंगे। होमोजेनियस आपको समझ में आ गया, जिसके ऑर्डर मैच करेंगे तो इक्वल होंगे तो उसको होमोजेनियस बोलेंगे। और इसमें एक चीज़ और आता है, मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको, जैसे मान लो कोई होमोजेनियस का क्वेश्चन दे रखा है, जैसे फाइव नहीं लेते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर हो सकता है जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इस तरह से टू एक्स प्लस थ्री वाई, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा, या आप कुछ और भी प्लस में करके कुछ दे रखा होगा, मान लो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यहाँ पे फाइव दे रखा होगा, यहाँ पे सिक्स दे रखा होगा, इस तरह से ये प्लस है, ठीक है। तो डेल स्क्वायर, तो इससे ऐसे कंडीशन में जो होमोजेनियस होंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स को हम डी से डिनोट करेंगे, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, डेल डेल अपॉन डेल वाई को हम डी डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये कुछ ऑक्सिलरी इक्वेशन के कुछ रूल्स हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के कुछ रूल्स हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए इससे हम रिप्लेस कर देते हैं और डी की जगह पर हम एम रखेंगे, डी डैश की जगह पर वन रखेंगे। कुछ रूल्स होंगे, कुछ क्वेश्चन जब करेंगे तब आप समझ में आएंगे, आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। मैं फिर एक बार एग्जांपल लेता हूँ, एक बार देखो, मे बी क्वेश्चन में आपको दे रखा हो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस फाइव डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू कॉस एक्स, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, ठीक है। तो पहले आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेगा या कुछ भी क्वेश्चन आपको बोलेंगे तो उस हिसाब से आपको देखना है। तो सी एस मतलब क्या होता है, सी एफ प्लस पी ए, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है
सी एफ प्लस पी आई, सी एफ मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ निकालना है तो सी एफ के लिए हम क्या पहले देखना होता है, ऑक्जिलरी इक्वेशन निकालना होता है, फिर उस कंडीशन के हिसाब से हम निकालते हैं। पी आई के लिए कुछ अलग रूल्स हैं, उसमें हम देखते हैं कॉस है कि टू एक्स टू वाई है, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हैं तो हम देखेंगे, ठीक है। वो सारे मैं बताने वाला हूँ, ये इंट्रोडक्शन है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के। बाकी यदि वीडियो में फास्ट बताता हूँ तो आप काफ़ी बार कमेंट आते हैं जो आप थोड़ा फास्ट बढ़ाते हो, तो भाई आपके पास ऑप्शन भी तो होते हैं, 1.2x कर लो, 0.75x कर लो, स्लो कर लो, फास्ट कर लो, वो आप पे सारे देश है, ठीक है। तो वो देख लेना आप, यदि फास्ट होता तो आप स्लो कर लिया करो। तो डेल स्क्वायर जेड को हम देखें, इसे ऑक्सिलरी मैं आपको क्या बताया, डेल अपॉन डेल एक्स, यानी कि जो एक्स वाला टर्म है, जो एक्स वाला टर्म है उसे हम डी से डिनोट करेंगे, और डेल अपॉन डेल वाई वाला, जो वाई वाला टर्म है उसे हम डी डैश डिनोट करेंगे। सिंपली समझो, जो जो एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा उसे हम डी डैश डिनोट करेंगे, और जो वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा डी सॉरी सॉरी जो डेल अपॉन डेल एक्स होगा उसे हम डी से डिनोट करेंगे, और जो वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा उसे हम डी डैश से, एक्स के वाले को डी से और वाई वाले को डी डैश से। एक चीज और है, जहाँ पर डी डैश से हम डिनोट करेंगे, इस डी को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए एम से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पे डी होगा, यानी कि डेल अपॉन डेल वाई को हम एम लिख सकते हैं, ठीक है। और डेल अपॉन डेल वाई को हम डी डैश लिख रहे हैं, इसे हम वन लिखेंगे। तो इस हिसाब से देखो कितना है डेरिवेटिव हो चुका है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, डी का स्क्वायर हो गया क्योंकि टू टाइम्स है, प्लस फाइव है तो फाइव कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे देखो वाई है, ठीक है, तो डी डैश का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से बनेंगे, और ये क्या है, एट एट। अब देखो एक्स भी है वाई भी है, तो d और d डैश दोनों आ गए यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 6x। अब ये बन गया हमारे पास, इस तरह से बन जाएंगे। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना हो हमें, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के क्या करना होगा हमें, d की जगह पे क्या मैं हमने बोला m से रिप्लेस कर देंगे, m स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 5 प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये m आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 8m इक्वल टू 6। अब इसे हम फैक्टर कर लेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, या आपको सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ वैल्यू निकलेंगे, जैसे m की वैल्यू कुछ निकल गई, मान लो 2 और 3, फिर m की वैल्यू। अब देखो, अब मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, जब m की वैल्यू आप निकालोगे, यहाँ पे m की वैल्यू निकालोगे, देखो m की वैल्यू हो सकता है दो दो, यदि क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू जो आएंगे वो सेम आ सकते हैं, हो सकता है दोनों डिफरेंट आए, हो सकता है इमेजिनरी है, यानी कि 1 प्लस 2 आई आ जाए, माइनस प्लस मतलब इमेजिनरी टर्म भी आए। तो ये सब के लिए अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है, मैं वो सारे बताने वाला हूँ। अब ये इंट्रोडक्शन है, ओके। तो ये सब चीज़ें, और भी कुछ हो बन सकता है, और जो भी बनेंगे वो देख लेंगे। हो सकता है तीन वैल्यू बन जाए, टू टू टू, तो सेम वैल्यू बन रहे तीन, जैसे इसके पावर 3 होते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग रूल्स है, मैं सारे रूल्स आपको बताने वाला हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये था, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको क्या क्या मैं बताया था। देखो मैं आपको सिंपली बताया, जो आपको होमोजेनियस समझना है, होमोजेनियस क्या हुआ, जिसके ऑर्डर सेम होंगे। नॉन होमोजेनियस क्या हुआ, जो ऑर्डर उसके मैच नहीं करेंगे, अलग होंगे, उसके लिए कुछ अलग रूल्स होंगे, इसके लिए कुछ अलग रूल्स हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं हम, सी एफ प्लस पी आई भी निकालते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों को जब सम कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ में आएंगे। अब ये तो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में आपको पता ही है, सिर्फ आपको समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं क्वेश्चन के, ओके। तो आने वाले टाइम में डायरेक्ट आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तो जब क्वेश्चन आप करोगे ना तो फिर आपको ये चीज़ें ईजी लगेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पी आई भी आपको पढ़ना है यहाँ पे, और पी आई पढ़ना है और सी एफ पढ़ना है, फिर आपको दोनों को जब सम कर दोगे तो ये सी एफ बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन कर रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।